Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best. Slow down, let me talk to you. Don't tell me about your worries, I ain't. हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही कलरफुल लुक लेके। और ये इस तरह की लुक है कि आप किसी भी संगीत फंक्शन में ये पहन सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी कलरफुल और आजकल वही ट्रेंड चल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लीन स्किन। सो सबसे पहले मैं अपनी आईज़ करूँगी। तो सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ वो है कफ्स एंड लैशेज़ का कवर पॉट इन दी शेड 08, और इसका नाम शायद सैंड है। एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई ऑल ओवर माई आईलेट्स बिकॉज कलरफुल लुक है, एक ब्लैंक कैनवस चाहिए। ऑल्सो आई एम टेकिंग दी सेम कवर पॉट अंडर माई आईज एज वेल, बिकॉज मेरे अंडर आईज़ भी काफ़ी डार्क हैं, तो ये उन्हें भी कंसील करेगा बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। एंड देन आई एम गोना सेट इट विद अ पाउडर। तो मैं जो पाउडर ले रही हूँ वो है शुगर का 30 चोकोचिनो का पैक, एंड इससे मैं इसे सेट कर रही हूँ। नाउ लेट्स कम टू दी कलरफुल लुक। सो मैं यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज़ की एनचैंटिंग पैलेट, और मैं ये पीची बर्नड ऑरेंज आई शेडो लेके अपने आउटर कॉर्नर्स और क्रीज पे लगा रही हूँ विथ सर्कुलर मोशंस, जस्ट टू हैव दैट रियली नाइस ग्रेडियंट लुक एंड यू नो थोड़ी सी डेफिनेशन देने के लिए। नाउ आई एम जस्ट गोना कंसनट्रेट ऑन दी आउटर कॉर्नर्स, और मैं एक पर्पल शेड ले रही हूँ सेम पैलेट से और आउटर कॉर्नर्स पे इस तरह से कंसनट्रेट कर रही हूँ। एंड आई एम जस्ट टेकिंग टू दी क्रीज एज वेल, और मैं बाहर को भी फेदर आउट कर रही हूँ ऊपर की तरफ जस्ट लाइक दिस। एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट रियली नाइसली विद दैट पीची बर्नड ऑरेंज शेड। Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your halo. वंस आई एम हैप्पी विद द ब्लेंडिंग, मैं नेक्स्ट शेड पे जाऊंगी जो कि है ये कोबाल्ट ब्लू फ्रॉम द सेम पैलेट। और इसे एक शेडर ब्रश की मदद से हम जिसको ना प्लेस इट ऑन द आउटर कॉर्नर्स। बेसिकली मैं आउटर हाफ पे लगा रही हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं मैं इनर लिड अपनी बिल्कुल खाली छोड़ रही हूँ और आउटर हाफ पे लगा रही हूँ। एंड आई एम ऑल्सो ब्लेंडिंग इट विद द प्रीवियस आई शेडो आई अप्लाइड। और आप देख सकते हैं अभी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं की है मैंने, बिकॉज आई एम जस्ट गोना डू दैट लेटर, बट इस तरह से मैं इसे ऊपर प्लेस कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम जस्ट गोना टेक दिस रियली प्रिटी गोल्डन शेड, और मैं इसे इनर हाफ पे लगा रही हूँ। एंड आई एम गोना ब्लेंड दिस गोल्डन शेड विद द ब्लू रियली नाइसली टुगेदर, ताकि एक बहुत ही सीमलेस सी लुक आए। एंड आई एम ऑल्सो गोना अप्लाई द गोल्डन शेड इन टू माई इनर कॉर्नर्स एज वेल। अब मैं ग्लिटर्स लगा रही हूँ, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज़ की स्टारडस्ट पैलेट। और जो मैंने ग्लिटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गोल्डन, दैट इज़ सैटन है उसका नाम, वो मैं लगा रही हूँ इनर हाफ पे। एंड आउटर हाफ पे मैं लगा रही हूँ दिस ब्लू ग्लिटर, दिस इज़ कॉल्ड साइलिन। एंड ये टोटली अप टू यू है कि आप आउटर हाफ पे लगाना चाहते हैं कि नहीं, बट मैंने लगाया है एंड इट वॉज द होल लुक वॉज लुकिंग रियली ब्यूटिफुल। एंड अब मैं एक पेंसिल ब्रश लेके जो ब्लू है वो थोड़ा सा डीपन करूँगी एंड उसे पर्पल से ब्लेंड करूँगी जस्ट लाइक दिस। एंड बाहर की तरफ फेदर आउट करूँगी ऊपर की तरफ जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ आई एम गोना टेक द सेम ब्लू, और मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे भी स्मज करूँगी, अगेन ब्लेंडिंग इट रियली नाइसली विद द अदर आई शैडो, द पर्पल आई शैडो आई अप्लाइड अर्लियर। अब मैं ये बर्नड ऑरेंज लेके अपने इनर हाफ लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट विद द ब्लू। आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल सी लुक बन गई है, एंड इट्स अ वेरी एप्रोप्रिएट लुक फॉर संगीत फंक्शन। अगर आपका खुद का संगीत है, इट्स अ वेरी गुड लुक। एंड देन आई एम जस्ट गोना अप्लाई अ वाइट आई पेंसिल टू माई वाटर लाइन, ये लोकल है, कोई ब्रांड की नहीं है, सो आई एम जस्ट अप्लाइंग दैट एंड इट वर्क्स वेरी वेल। और ये बहुत टाइम से मेरे पास है, आई लव इट। एनीवेज, नाउ आई एम जस्ट गोना डस्ट ऑफ एनी ग्लिटर अगर मेरे चेहरे पे है, एंड देन आई एम गोना पुट मस्कारा। जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ शुगर्स अप टाउन कर्ल मस्कारा, एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई नाइसली। एंड फॉर द लैशेज आई एम यूजिंग आई एम पैक की M76, इट्स अ वेरी नाइस लैशेज, आई रियली लव दिस पेयर। और मैं इसे बहुत ही ध्यान से अपने लैशेज पे लगा लूँगी। एंड नाउ लेट्स कम टू द फेस। सो फेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन सुपर स्टे बेटर स्किन फाउंडेशन इन द शेड 30 वॉर्म न्यूड।
ये फाउंडेशन यहाँ नहीं मिलती है इंडिया में, इट्स नॉट अवेलेबल। ये मैं बाहर से लेकर आई थी, इसीलिए मैंने इसका कभी रिव्यू भी नहीं किया। बट अगर आप देखना चाहते हैं देन यू कैन जस्ट लेट मी नो। वैसे आई डोंट थिंक सो किसी काम का होगा, बिकॉज ये जब मिलती ही नहीं है यहाँ पे देन देयर इज नो यूज़, दैट्स व्हाई मैंने किया भी नहीं। एनी वेज, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग माई मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड मीडियम, और इसे मैं अपने अंडर आइज, ब्रिज ऑफ नोज, क्यूपिड्स बो, चिन एंड फोरहेड एरिया पे लगा रही हूँ, एंड यूजिंग माई फेवरेट ब्रश लाइक ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम पैक। दिस इज कॉल्ड 19F19 आई गेस। या आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट रियली नाइसली, स्पेशली एजेस बहुत अच्छे से ब्लेंड करनी ज़रूरी है अगर आप इस तरह की हाईलाइटिंग करते हैं, ताकि आपकी फाउंडेशन एंड हाईलाइटेड वाला कंसीलर ना अच्छा लगे, ब्लेंडेड लगे। नाउ आई एम गोना टेक सम पर्पल अगेन एंड आई एम जस्ट गोना स्मोक इट आउट टू माई लोअर लैश लाइन, और फिर जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था मैं उसे पाउडर से सेट करूँगी। आई एम यूजिंग द सेम कॉम्पैक्ट जो मैंने पहले यूज़ किया था शुगर का। नाउ फॉर द ब्राउज आई एम यूजिंग यूरोपकल कॉस्मेटिक की आईब्रो ट्रायो, और इसमें से जो मैं लाइटेस्ट शेड है वो यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आईज़ ऑलरेडी बहुत ड्रामेटिक है, कलरफुल है, तो मैं आईब्रोज पे अपना ध्यान नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं सबसे लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड आई रियली लव दिस ट्रायो। एंड नाउ लेट्स कम टू द फेस, और मैं फेस में के लिए पहली बार यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट्स। आई एम इन लव विद दीज पैलेट्स। ये है कफ्स एंड लैशेज की कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट। सो सबसे पहले मैं इनकी कॉन्टोर पैलेट जो कि चिजल्ड है, स्कल्प्टेड कॉन्टोर एंड चिजल्ड पैलेट, और इससे मैं अपने जो हॉलर्स ऑफ चीक्स है वो कॉन्टोर कर रही हूँ, जॉज। ऑल्सो आई एम कॉन्टोरिंग माई नोज विद द सेम पैलेट, और अपने टेम्पल्स पे भी थोड़ा सा लगा रही हूँ। एंड देन आई एम गोना टेक अ हाईलाइट पैलेट, यस दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स ग्लो। यस आई एम डूइंग अ लिटिल बिट डिफरेंट, पहले ब्लश लगाते हैं बट यहाँ पे मैं पहले हाईलाइटर लगा रही हूँ, और मैं यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय चीक्स पे हाईलाइटर लगा रही हूँ, एंड लुक हाउ प्रिटी द हाईलाइटर इज। आई एम इन लव विद दिस पैलेट, लाइक मुझे तीनों ही बहुत पसंद है, बट द मोस्ट आई लव इज द ब्लश पैलेट, बट लुक एट द ग्लो। Now my favorite, my blush palette. So this is Cuffs and Lashes Just Say Cheese palette, और मैं दो blush mix करके right in the center लगा रही हूँ contour और highlighter के बीच में, and I'm gonna blend it with highlighter and contour really nicely. और आप देख सकते हैं how pretty it is looking. Also applying a little bit on the nose, and look how pretty the whole look is looking, like the contour, highlighter and blush. Now for the lips I'm using Miss Claire Power Matte Lipstick in 02. एंड इसके ऊपर मैं हल्का सा लगाऊंगी मिस क्लेयर की ही लिपस्टिक, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, इट इज़ कॉल्ड बेज, जस्ट टू यू नो हैव दैट रियली नाइस ऊम्फ ऑन माय लिप्स, एंड दैट कंप्लीट्स द होल लुक। आई लव्ड हाउ ब्यूटिफुल द लुक टर्नड आउट टू बी, और इसको मैं सील करने के लिए यूज़ कर रही हूँ शुगर ग्रैंड प्लाने मिस्ट इन डूई फिनिश, एंड दिस इज़ हाउ द होल लुक्स लाइक, लव इट। बहुत ही अच्छा लुक है, कलरफुल लुक है, एंड इट्स वेरी ईजी टू डू एज वेल, एंड आई वॉज ऑब्सेस्ड विद दिस लुक, आई लव्ड इट सो मच। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये लुक पसंद आए, और अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हैं देन डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू सी इट, आई वुड लव टू सी योर रिक्रिएशंस, एंड मैं रिपोस्ट भी करूँगी अगर आप मुझे टैग करेंगे, सो प्लीज़ डू दैट। Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. So that was it for this video. I hope ये video आपको पसंद आई होगी. I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy, and stay safe. Bye bye. I'll see you in my next video.